अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खराफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और इस टाइम जो है तकरीबन 2:30 का टाइम हो चुका है जब मैंने ये आपको सलाम किया है। ब्लॉग तो मेरा कल का ही बना हुआ है। असल में ऐसे होता है कि रोज़े की हालत में या वैसे भी यहाँ पर जितना ब्लॉग बनता है मैं बनाती हूँ। असल में कोई ख़ास रूटीन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, तो फिर भी जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ करती हूँ। बाकी जो भी मेरे चैनल पर न्यू है इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल धूप थी लेकिन आज फिर वही स्मोक है और पूरी रात बर्फ़ जैसी ठंडी हवा चलती रही है। तो चले बाकी डे का आगाज़ करते हैं क्योंकि मैं चलें गाइस। कल हमने गोभी की कटिंग की थी, पकाई नहीं थी और पका हम आज रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग की हुई है माशाल्लाह से। फुल रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, बस वैसे ही अम्मी खाना बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। गोभी मेरी और नवीद भाई की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और कितनी देर लगेगी? 10 मिनट और लगेंगे। मम्मा जी ऑयल कम नहीं है? चले ठीक है, पकाएं फिर इसके साथ भी दो दो हाथ करेंगे। चलें गाइस, मैंने अम्मी को बोला कि इसमें ऑयल कम है, उन्होंने ऑयल ऐड कर दी है क्योंकि ये आज तो वैसे मैंने और आयशा ने सोचा था आलू अंडे बनाने का, लेकिन आज हम गोभी बना रहे हैं साथ में ब्राउन राइस। आज सुबह अम्मी ने ये भी बनाई है, इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। मम्मा जी इस दफ़ा मैंने कराची लेकर जाना, आपने मुझे बना के देनी है, ठीक है? अच्छा, ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनती है, ये चावलों के साथ ले सकते हैं। और ये इतने जैसे दही भड़े होते हैं ना, वो तो एक और चीज़ है, इसमें चने वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस ये पकौड़ियाँ ही हैं। और आप लोग पता नहीं से क्या बोलते होंगे, भल्लियाँ, हाँ भल्लियाँ कहते हैं। ये जो बाज़ार से मिलती हैं वो सही नहीं होती है, मम्मा ने हाथ पे बनाई हुई है और बहुत मज़े का ये बनती है रेसिपी। जब नेक्स्ट मम्मा बनाएंगी ना तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, आज माशाल्लाह से अच्छी धूप निकली है और ये बहुत ज़्यादा गीला था, अभी खुश्क हो गया। मैंने कल इसे कन्वर्टर में भिगोया था। ये बहुत, ये देखें इसके कलर बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अम्मी भी अभी बोल रही है कि सनिया चमक आ गई है इस पर, लेकिन ना ये मैंने कन्वर्टर लगाया वो कहीं 2 नंबर था, सीधी सी बात है। इसके ऊपर वाइट वाइट निशान आ गया। अभी सोच रही हूँ कि धूप अच्छी खासी है, ये बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है, कोई गीला कपड़ा लेके ना इसको दोबारा इसके ऊपर मारती हूँ ताकि ये उतर जाए। बाकी भी मेरी हुडीज़ जो है ना वो खुश्क हो गई हैं, इनको उतारती हूँ। ये मेरी पेटी इधर एक पड़ी है, उसके ऊपर जो कवर था इसको भी, ये खैर मेरी मम्मा ने वॉश किया क्योंकि इसके ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा गिरा था, पता नहीं कैसे ऑयल का पैकेट खुल गया था। ये भी वॉश हो गया। मौसम आप देखें कि शुक्र है आज इतने दिनों के बाद धूप निकली है, धूप को भी दर्ज कर दिया, आज मौसम ठीक है। चलें गाइस, मैंने इसको ना अपने दुपट्टा गीला करके साफ़ कर दिया, अभी वो सारे वाइट वाइट निशान इसमें से ख़त्म हो गए, तो वरना ये दोबारा वॉश करना पड़ना था, इतनी धूप भी नहीं निकलनी। थोड़ा सा गीला हो गया अभी, ये इसे मैं धूप में लटका दूँगी फिर ये खुश्क हो जाएगा। चलें गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। माशाल्लाह से कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी ये बनी हुई अच्छी। मम्मा जी आलू क्यों नहीं डाले आपने? आलू वाले खाते हैं, नवीद को तो आलू बहुत पसंद है। चलें गाइस, बहुत टेस्टी सालन बना है, मुँह में पानी आ रहा है। और इस चलें गाइस, सारे बैग भाभी साहबा ने निकाल लिए हैं और कहती है मैं छोड़कर जा रही हूँ कि नंद आ गई है। मैं क्यों जा रहा हूँ? और सुबह से ये नीचे बैठी है आशी, वो क्या है? ये परांदा दिखाओ। अरे वाह आशी, मेरी याद है ये मैंने अपनी 2 क्लास में थी तब लिया था सदके, और अभी तक वो गार्ड भी नहीं खोली। वो सब आपको ये कमेंट्स करते हैं कि हमें वो अच्छा से परांदा बोलते हैं। परांदा पहन के दिखा, पहन के दिखा। गाइस बहुत प्यारा परांदा है, ये मेरे बचपन की निशानी है। ये आयशा का जी बचपन है, देख लें बहुत खूबसूरत है आयशी। ये आप लोग तो बनाते भी होंगे? हाँ जी, बहुत प्यारा आयशा। ये पहन के दिखाना फिर अपने गाइस को, अभी अपने घर जाके पहनोगे ये देखें गाइस। फ्रिज का सामान भी निकाल लिया है, कहती फ्रिज भी लेकर जा रही हूँ। सफाइयाँ इसकी हालत दिखाऊं? ऊपर कुकिंग चल रही है, नीचे ये सफाइयाँ चल रही हैं। जितनी तेज़ धूप है कि मैं अभी से यहाँ पे रख के नीचे गई हूँ और वापसी पे ये खुश्क हो गया, लेकिन धूप भी ठंडी है, लेकिन चले शुक्र है ये साफ़ हो गया। आज मुझे मासी पे शदीद गुस्सा आ रहा है, पिछले साल अच्छे खासे उसने पैसे लिए, पानी से निकाल के रख दिया।
चलें गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ आयशा भाभी का रूम। इन्होंने तो खैर पहले काफ़ी दफ़ा आपको दिखाया होगा। ये इनका बेड है और साथ में इसके ये वाली ड्रेसिंग थी और ये साथ में ये साइड टेबल है। सारा मेकअप मैंने हटा के ना दराज में रख दिया। अच्छा किया वो। ये जो है ना वो मतलब एक शाइनिंग वाले हैं तो इसके ऊपर निशान पड़ रहे थे। हाँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से आज इन्होंने अपना रूम के ना सोफे भी इसने कवर कर दिए हैं क्योंकि कह रही थी हानिया ने जो है ना बिल्कुल वाइट कर देनी है। हाँ तो अच्छा किया है। अभी इसका कवर लेंगे। इस पे तो अभी नहीं चढ़ाया क्योंकि इस पे गेस्ट रूम में रखूंगी ना। हाँ कवर सिलवाऊंगी। सही है। ये मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है। मुझे खुद ही अच्छा लगता है। अंदर मेरी भी चीज़ें पड़ी हैं तो ये अच्छा लग रहा है। गाइज आप लोग ना मतलब रूम के लिए अगर कोई अच्छी सी खुशबू चाहिए आप लोगों को फ्रेगनेंस बोलेंगे ना तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है यार। इसकी नहीं समझ आ रही इसको मैं कैसे लगाऊं कहाँ लगाऊं। चलो ये भी हम सेट करें। यहाँ लगाती हूँ तो नजर नहीं आता। गाइज ये है आयशा नवीद। अच्छा ये लग जाएगा। चलें गाइज मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। मैंने शूज साफ करने वाला ना पीछे रख दिया और इसको खड़ा कर दिया लेकिन अभी मैंने इसे बोला है कि पीछे का ना कोई वो ब्लश वाली किट है कोई। हाँ जी है। बस वो ब्लश वाली किट रख देना तो ये ऐसे खड़ा रहेगा बहुत अच्छा लगेगा ड्रेसिंग पे। ये ऐसे दिखता इस वजह से नहीं है क्योंकि वो सेम कलर है। बाकी जी इसका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। कभी ये हमारा भी था लेकिन बेटियों के कहाँ होते हैं तो भाई अल्लाह ताला आपको यहाँ रहना नसीब करे। अच्छा गाइस इसका ये कंबल जो है तकरीबन 10,000 का है। ये बहुत 10 का है ना 11 का। ये बहुत मोटा है यकीन करें कि यहाँ पर ना आप लोगों को अच्छा सेम कलर है इसमें कोई और कलर नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है लेकिन ये सर्दी के लिहाज से बेस्ट है। नहीं जैसी तुम्हारी कंडीशन है मुझे लगता है तुम तो रजाइयाँ क्या डबल रजाई लोगी। लेकिन ये मुझे इसका कंबल बहुत अच्छा लगा है। मेरा इरादा बना था फिर मैंने सोचा कि इतनी तो कराची में ठंडी नहीं है इस वजह से मैंने पेंडिंग कर दिया अभी नहीं। मतलब नॉर्मल लोग ही सर्दियों में ले सकते हैं। हाँ नॉर्मल लोग नहीं। आयशा तो फिलहाल अब नॉर्मल हो चुकी है। चलें गाइस इस रूम में भाई और भाभी सो गए। उस रूम में मम्मा सो गई है और अरसलान भाई। मैं यहाँ हाल में बैठी हूँ। असल में थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद आयशा भाभी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए। मम्मी कहती है कि आप मेरे पास लेट जाओ। मैं मम्मी के पास चली गई तो मैंने अपना मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मोबाइल यूज़ करते करते ना उनको गुस्सा आ गया। कहती सनिया बेटा जितना मोबाइल तुम्हारा शोर करता है मैं तो नहीं सो पाऊँगी इसलिए बेहतर है कि तुम मोबाइल जा कर सो जाओ। अभी मैंने वो डोर भी खोला है इवन के मुझे डर भी लग रहा है लेकिन मैंने वो डोर खोल दी है। मैं तो ये किचन की लाइट चलाई हुई है और मैं बैठी हूँ। अभी मैं सहरी करके सोऊंगी इंशाल्लाह ऐसे नहीं सोऊंगी। मैं इधर बेड पे लेटी थी मम्मा आप ही सैमा के घर चली गई। आयशा और नवीद रूम में चले गए इवन के डोर खुले थे उसके बावजूद भी मुझे वो बहुत गंदा सा दबाव पड़ा है और मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। फिर बहुत टाइम के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। मुझे जब नवीद ने आके देखा उसने मुझे उठाकर बिठाया तो मेरी तबीयत ठीक हुई। इस वजह से मम्मा कह रही थी कि आप मेरे पास लेट जाओ तो अभी मैं ठीक हो गई थी। अभी मैं सोऊंगी नहीं मैं जाग रही हूँ। सॉरी आज बाबू जो हैं वो घर पे ही हैं उनका कोई काम नहीं है आज आज उनको समझ लें कि छुट्टी है। तो अभी आयशा की कुछ तबीयत ख़राब है वो जाग रहे हैं। कहते हैं अगर हमें भूख फील हो रही है सनी आज खाना तुम खिलाओगी। काफ़ी दिनों से नवीद पीछे पड़ा है कि यहाँ पे ना एक नया रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हुआ है हमने वहाँ के ना बर्गर खाने। मैंने कहा मैं आपको मंगवा के दे दूँगी बट मैं खुद कुछ नहीं खाऊँगी तो उनका नहीं पता। मेरे पास कोई 7-8 दाने पिनट के हैं मैं वो खा रही हूँ उसमें से ये आखिरी बचा है। इतना अंधेरा है इधर से मैंने लॉक कर दिया है डोर। एक चारपाई ये सेट कर दी है। अभी मैं उठूँगी कुछ ना कुछ करती रहूँगी। अंधेरे में तो आप लोगों को भी कुछ नज़र नहीं आएगा लेकिन इतना मैंने हंसाया है ना सच में मेरी पसलियाँ टूटने वाली हो गई थी। मुझे शाम से कह रही है तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा मम्मा जी कुछ भी नहीं है मुझे। खैर कोई बात नहीं गाइज यहाँ आके आपकी बहन बहुत खाली हो गई है। चलें गाइज तकरीबन 3 बजे का टाइम है। मैंने लाइट ऑन कर ली है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है।
अगर तो हवा इस साइड से आती है तो ये डोर बंद हो जाता है, अगर इधर से आती है तो वो सामने वाला डोर बंद हो जाता है। तो देखे कब सुबह हो गई, क्योंकि अम्मी सब लोग सो गए हैं, बल्कि उनकी तो नींद भी पूरी हो चुकी है। मैं एक छोटा सा काम कर रही थी, वो भी ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद देखें क्या बनता है। लेकिन सर्दी काफ़ी यहाँ पर हो रही है, और इसके अलावा नींद मुझे नहीं आ रही, क्योंकि एक तो लेट सोने की आदत है इस वजह से, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है, यहाँ पे बारिशें भी बताई हैं। ये देखिए आप गेट की आवाज़ सुन रहे होंगे, गेट भी हिल रहा है, और आई थिंक बारिश आ जाएगी, क्योंकि आज मैं बोलूँगी नहीं, अगर मैं बोलूँगी तो शायद बारिश ना हो। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। मैं भी यहाँ मैं अपने रोज़े की तैयारी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ सालन को गर्म, इसके साथ रोटी नहीं ब्रेड लूँगी। यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो रही है, तो बस चाय बनाती हूँ फिर सहरी करती हूँ। चलें गाइस मेरी सहरी तैयार है, मैंने बस आज ब्रेड और सालन लिया है, साथ में चाय है, और उसके बाद मैं अपनी वो टैबलेट लूँगी, बस यही सहरी है और कुछ भी नहीं। चलें गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। रात अम्मी के साथ भी काफ़ी मजाक होता रहा, मजाक में उन्होंने रूम से भी निकाल दिया था। आयशा काफ़ी देर बैठी रहती है, फिर रात उसकी भी तबीयत ख़राब थी तो वो भी लेट गई थी, और उसके अलावा आयशा कहीं भी नहीं जा रही है, इधर ही है, वो सिर्फ रूम की सेटिंग कर रही थी, अपने गर्म कपड़े निकाल रही थी, तो इसलिए मजाक कर रही थी। बस यही रूटीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग पूरा बनाऊँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जितना बनता है बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूटीन नहीं है ना, कोई यही कुछ कुछ समझ ही नहीं आता है, और जब तक बनेंगे बनाऊँगी, और जब नहीं बनेंगे तो छोड़ दूँगी। और आज इस तरह कवर इसलिए किया है कि मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, और बस अपना ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।